नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में, आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल शहरीकरण से संबंधित है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे आखिर शहरीकरण होता क्या है, उस पर चर्चा कर लेंगे। शहरीकरण के जो क्षेत्र के मानक हैं, जिसके आधार पर शहरीकरण घोषित किया जाता है, उन मानकों को भी देख लेंगे। भारत में शहरीकरण से संबंधित जो आंकड़े आए हैं उन्हें भी देख लेंगे। बदलते शहरीकरण का कारण क्या है उन पर भी हम लोग नजर डालेंगे। शहरीकरण से संबंधित जो समस्याएं हैं अब की उन्हें भी देखेंगे, और शहरीकरण के प्रभाव क्या है उन्हें भी देख लेंगे। शहरीकरण की समस्याओं से निपटने के लिए आपकी सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें भी देखेंगे, और शहरीकरण का महत्व आखिर क्यों है हमारे लिए, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा में क्यों है सबसे पहले उसी को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में दुनिया की आधी आबादी शहरों में रह रही है। वर्ष 2050 तक भारत की आधी आबादी महानगरों व शहरों में निवास करने लगेगी। एक दूसरी संस्था ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक के अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2019 से लेकर 2035 तक के बीच सबसे तेजी से बढ़ने वाले सभी शीर्ष 10 शहर भारत के ही होंगे, जो 2035 तक तेजी से जो शहरीकरण बढ़ेगा उसमें आपके शीर्ष पर जो सबसे ऊंचे स्तर पर होंगे उसमें भारत के 10 शहर टॉप में होंगे। विश्व बैंक की वर्ष 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का शहरीकरण हिडन एंड में से अर्थात अघोषित एवं अस्त व्यस्त है। भारत का शहरीकरण विस्तार देश की कुल आबादी का 55.3% है, परंतु आधिकारिक जनगणना के आंकड़े इसका विस्तार केवल 31.2% ही बताते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 53 ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलोर और हैदराबाद जैसे महानगर हैं जिनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। लोग बेहतर भविष्य की तलाश में यहाँ पहुंचते हैं और बसते हैं। शहरीकरण से संबंधित समस्याओं में चाहे बेंगलोर की प्रदूषित झीलें हों, या फिर गुरुग्राम का ट्रैफिक जाम और मुंबई की बारिश हो, या फिर दिल्ली का वायु प्रदूषण हो, शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव अलग अलग तरीके से हर जगह देखने को मिल रहा है। बात करते हैं आखिर है क्या ये शहरीकरण। शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार, मसलन क्षेत्रफल, जनसंख्या जैसे कारकों का विस्तार आपका शहरीकरण कहलाता है। शहरीकरण भारत समेत पूरी दुनिया में होने वाला एक वैश्विक परिवर्तन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना, वहां का काम करना भी शहरीकरण है। नवीन भारत पहल को आगे बढ़ाने की दिशा में शहरी बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए शहरीकरण के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। बात करते हैं शहरीकरण के जो शहरी के क्षेत्र के मानक हैं उनके बारे में। भारतीय समाज में किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र माने जाने के लिए आवश्यक है कि किसी मानव बस्ती की आबादी में 5,000 या इससे अधिक व्यक्ति निवास करते हैं। इस मानव आबादी में कम से कम 75% लोग गैर कृषि व्यवसाय में संलग्न हैं। जनसंख्या घनत्व 400 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विशेषताएं, मसलन उद्योग, बड़ी आबादी, आवासीय बस्तियां, बिजली और सार्वजनिक परिवहन जैसी व्यवस्था हो, इसे शहर की परिभाषा के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, फिर भारत में शहरीकरण से संबंधित आंकड़े। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2001 तक भारत की आबादी का 27.81% हिस्सा शहरों में रहता था। वर्ष 2011 तक यह 31.16% और वर्ष 2018 में आंकड़ा बढ़कर
33.6% हो गया। वर्ष 2001 की जनगणना में शहरी कस्बों की कुल संख्या 5,161 थी, जो आपकी 2011 में बढ़कर 7,936 हो गई। भारत की शहरी आबादी का लगभग 17.4% झुग्गी जो झोपड़ी होती हैं उनमें रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व की आधी आबादी शहरों में रहने लगी है। वर्ष 2050 तक भारत की आधी आबादी महानगरों और शहरों में रहने लगेगी। भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर पर भी तब तक कुल आबादी का 70% हिस्सा शहरों में निवास करने लगेगा। बात करते हैं बढ़ते शहरीकरण का कारण क्या है। आखिर शहरीकरण के बढ़ने का प्रमुख कारण एक आपका बेरोजगारी है। शहरों में आने वाले लोगों में अधिक संख्या नौकरी की तलाश करने वालों की है, न कि बेहतर नौकरी पाने वालों की। तथा भारत से बाहर से आने वाले वालों बेरोजगारों की दर अपेक्षाकृत कम है। गांव से शहरों की ओर पलायन का मुख्य कारण वेतन दर तो है ही, इसके अलावा दो अन्य प्रमुख कारण हैं, जोत की कम भूमि और परिवार का बड़ा आकार। शहरी प्रवासन के लिए जाति पिता भी एक महत्वपूर्ण कारक है। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्रों में तीव्र गति से सरकारी सेवाओं में विस्तार हुआ, जो गांव से शहर की ओर प्रवासन में एक प्रमुख उत्प्रेरक बना। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्रों में भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हुई। शहरी क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन की सुगम व्यवस्था आदि है। कृषि में होने वाले नुकसान की वजह से लोग कृषि छोड़कर रोजगार की तलाश में शहर आते हैं। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खेती पर निर्भर लोगों में से 40% लोग ऐसे हैं जिनको अगर विकल्प मिले तो वे तुरंत खेती छोड़ देंगे, क्योंकि खेती करने में धन की लागत बढ़ती जा रही है और आपका फायदा भी उसमें प्रॉफिट भी कम होता है। वर्ष 1990 के बाद निजी क्षेत्र का विकास हुआ है, जिससे बड़े कारखाने व फैक्ट्रियों का विकास शहरों तथा महानगरों में हुआ है। 11वीं जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी में भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण को लक्ष्य बनाया गया था। तो आपकी शहरी बढ़ते शहरीकरण के प्रमुख कारण थे। अब बात कर लेते हैं शहरीकरण से संबंधित समस्याएं क्या है। अति शहरीकरण, भारत के अधिकांश शहर अति शहरीकरण के शिकार हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अब शहरी आबादी इतना बढ़ जाए कि शहर अपने निवासियों को अच्छा जीवन शैली देने में असफल हो जाए, तो वह स्थिति क्या कहलाती, अति शहरीकरण। आवास और गंदी बस्तियों की समस्या, शहरी जनसंख्या में हो रही वृद्धि ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है, जिसमें आवास की समस्या प्रमुख है। यह समस्या आवास की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में देखने को मिलती है। पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों में आने वाले लोग अधिकतर गरीब होते हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। पारिवारिक विघटन, शहरीकरण के परिणाम स्वरूप बड़े परिवार छोटे परिवारों में विभक्त हो गए। इसके अतिरिक्त परिवारों में विवाह विच्छेद, विधवाओं का शोषण, वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं में वृद्धि हुई। निर्धनता, ग्रामीण भारत गरीबी को छिपाने और उससे निपटने में ज्यादा सक्षम है, जबकि शहरी भारत में ऐसा संभव नहीं है। शहरी गरीबी बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग रोजगार की तलाश में अपना गांव छोड़ रहे हैं। पर्याप्त पर्यावरण समस्या, शहरी केंद्रों में जनसंख्या के लगातार बढ़ते रहने एवं औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण तथा अवनयन की कई समस्याएं उत्पन्न हो गई। महानगरों और शहरों में प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों एवं औद्योगिक संस्थानों द्वारा निकला विषैला रसायन है। पर्याप्त का निजातीय विविधता और सामुदायिक एकीकरण की समस्या, शहर की सामाजिक संरचना ऐसी होती है कि लोगों के एकीकृत होने की समस्या सदैव विद्यमान रहती है।
आपकी आर्थिक असमानता। भारतीय शहरों में आर्थिक असमानता विकसित देशों की तुलना में अधिक है। महानगरों पर खर्च की गई आय ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है। इस आर्थिक अंतर के परिणाम स्वरूप ग्रामीण शहरों की ओर आकर्षित होते हैं। जनांकीय असंतुलन की समस्या। भारत में पश्चिमी देशों की तुलना में शहर प्रवास की प्रवृत्ति पुरुषों में ज्यादा है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक पुरुष जनसंख्या में कमी आ रही है। बात करते हैं शहरीकरण का प्रभाव। शहरीकरण की प्रक्रिया के चलते आज संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में बदल रहे हैं। परिवार का आकार सिकुड़ रहा है तथा नातेदारी संबंध कमजोर हो हुए हैं। शहरीकरण ने जाति व्यवस्था पर भी प्रभाव डाला है। वर्तमान में जातीयता के प्रति कटुता में कमी आई। शहरीकरण ने धार्मिक क्षेत्र पर भी प्रहार किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शहरों में लोगों की धर्म से आस्था होती है, लेकिन वे धर्म के नाम पर आडंबर पर विश्वास नहीं करते। शहरीकरण की प्रक्रिया ने महिलाओं की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में व्यापक बदलाव किया है। महिलाओं की परिस्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में काफी अधिक है। ठीक, तो कोई भी आपका पहलू याद रखिए, कोई भी जैसे शहरीकरण है तो इसके दो पहलू हैं, एक आपको प्रॉफिट होंगे एक लॉस। तो हर इस तरह के जो भी आपके होता है उसके दोनों पहलू देख लिया करिए, उससे फायदे कितने हैं नुकसान कितने हैं। अब बात करते हैं शहरीकरण की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास। सरकार द्वारा शहरों के ठीक प्रकार से नियोजन के लिए स्मार्ट सिटी मिशन की अवधारणा को अपनाया गया है। केंद्र सरकार ने मेट्रो, मोनोरेल, बस रैपिड ट्रांजिस्ट जैसे बड़े सार्वजनिक परिवहन गलियारों के पास बसने को बढ़ावा देने के लिए एक नीति तैयार की है, जिसका उद्देश्य शहरीकरण की चुनौतियों का निदान करना है। देश के आधे से अधिक लोगों का जीवन खेती पर निर्भर है, इसलिए यह कल्पना करना बेमानी होगा कि गांव के विकास के बिना देश का विकास किया जा सकता है। ग्रामीण विकास के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उद्धार के लिए सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि आवास और बुनियादी सुविधाएं आर्थिक विकास के मुख्य वाहक हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अभिनव एवं आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकी के उपयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी सम्मिशन भी शुरू किया गया है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरीकरण नवीकरणीय मिशन के अंतर्गत शहरों का कायाकल्प करने का प्रयास किया जा रहा है। कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन यानी अमृत योजना के अंतर्गत शहरों की अवसंरचना को मजबूत किया जा रहा है। बात करते हैं शहरीकरण का महत्व क्या है। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की 54% से अधिक आबादी अब शहरों में निवास करती है। ये आबादी वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 80% का योगदान करती है और 2/3 वैश्विक ऊर्जा का उपभोग करती है। साथ ही 70% ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए भी जिम्मेदार है। शहरीकरण के कारण आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। शहरीकरण और शिक्षा के विकास के कारण जाति प्रथा जैसी व्यवस्थाएं अब ध्वस्त हो रही हैं। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के चलते लोगों में रहन सहन का स्तर बेहतर होता है, उत्पादकता को बढ़ाता है और विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करता है। बात करते हैं आगे की राय क्या हो सकती है, उसे भी देख लेते हैं। शहरी क्षेत्रों का सतत संतुलित और समेकित विकास सरकार की मुख्य प्राथमिकता एवं शहरी विकास का केंद्रीय विषय है। जिस तरीके से देश में शहरीकरण की प्रक्रिया का प्रबंधन होगा उसी से यह निर्धारित होगा कि किस सीमा तक शहरी या स्थानांतर का लाभ उठाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के साथ साथ पलायन को कम करने के लिए ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था का विविधीकरण करने की जरूरत है। इस मामले में मनरेगा ने गांवों से शहरों की ओर पलायन कम करने में अहम भूमिका निभाई। पूरा
और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन जैसे कार्यक्रमों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास पर जोर देना होगा। पर्यावरणीय रूप से धारणीय शहरीकरण का बेहतर प्रबंधन, ग्रीन पैचेस पैचेज का विकास, आर्द्रभूमि और उचित अपशिष्ट प्रबंधन का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए, था आपका शहरीकरण से संबंधित प्रमुख आर्टिकल। ठीक है।